कैलकुलेट इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ ब्रास बार, क्या निकालना है? इंक्रीज इन एनर्जी, इंक्रीज इन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन, एक ही बात है। तो ये आपको निकालनी है। जिसकी लेंथ आपको गिवन है, मुझे प्लीज साथ साथ बताओ क्या गिवन है, क्या गिवन है? लेंथ, लेंथ का मतलब कैपिटल एल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ए। व्हेन कंप्रेस्ड बाय अ लोड ऑफ, लोड का मतलब क्या होता है? फोर्स। फोर्स अगर 5 केजी वेट है, क्या सिखाया था फोर्स में? 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर किस में आ जाएगा? न्यूटन में, न्यूटन में, ठीक है। तो ये तीन चीजें गिवन है, क्या निकालना है? और यंग्स मॉडुलस भी गिवन है, मेथड जो मर्जी यूज करें। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर या एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एफ तो गिवन है, देखो एफ तो गिवन है, आपको क्या नहीं गिवन? डेल्टा एल। आप इसको छोड़ो, डेल्टा एल एक मिसिंग वैल्यू है। कोई भी इन टाइप की प्रॉब्लम में मिसिंग वैल्यू होगी ना, वो आपको यंग्स मॉडुलस से पता लग जाएगी। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, डेल्टा एल बाय एल। आपको इस क्वेश्चन में 1, 2, 3 और 4 ये चीजें गिवन है, और क्या नहीं गिवन? डेल्टा एल। तो आप डेल्टा एल पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है? पहले फॉर्मूला लिखो, आधी टर्म्स गिवन होंगे, जो नहीं गिवन होंगे वो यंग्स का फॉर्मूला आपको बता देगा, तो कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं इसमें। प्रैक्टिस के लिए होमवर्क दूंगा आपको करने के लिए। मेथड समझ में आ रहा है? ठीक है यहाँ तक। जैसे नेक्स्ट है स्टील वायर, बोलो क्या गिवन है? जिसकी लेंथ गिवन है, स्ट्रेच थ्रू 2 mm, क्या गिवन है? डेल्टा एल गिवन है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या गिवन है? एरिया गिवन है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना। और लास्ट क्या गिवन है? यंग्स मॉडुलस भी गिवन है। तो अब देखा जाए तो यंग्स मॉडुलस में चार चीजें चाहिए होती हैं, फोर्स, एरिया, डेल्टा एल और एल। चार गिवन है, एल, एरिया, वाई और डेल्टा एल। क्या नहीं गिवन? एफ, फोर्स मिसिंग है। कोई बात नहीं, वाई के फॉर्मूले से फोर्स भी निकाल लेंगे। क्या निकालना है? एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ वायर। एनर्जी डेंसिटी में का सिंबल छोटा यू बता चुका हूं। एनर्जी डेंसिटी का मतलब हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन बता चुका हूं। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल बाय एल। अब प्रॉब्लम ये है कि ये दो टर्म तो गिवन है, ये भी गिवन है, क्या नहीं गिवन? एफ। पहला तरीका, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिखो और मिसिंग वैल्यू एफ निकाल लो, आंसर आएगा। लेकिन को छोटा करने का एक और तरीका है। क्या तरीका है? छोटा करने के लिए वाई क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो हमने फॉर्मूला किया था ना, हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर लिखवाए थे, तीन फॉर्मूले वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम के। और स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एल बाय एल। इसमें फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी आपको, फोर्स चाहिए ही नहीं। तो वाई पता है, डेल्टा एल पता है, एल पता है आंसर, नहीं तो कोई बात नहीं। फोर्स निकाल देना तो भी आंसर आ जाएगा, ऐसे कर लोगे तो भी आंसर आएगा, थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी इसमें, और कुछ नहीं है। तो आंसर आ गया, एनर्जी डेंसिटी के यूनिट क्या है? जूल पर मीटर क्यूब। क्या निकालनी है नेक्स्ट? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में दो तरीके हैं, ये तरीका पता नहीं आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, आप ये यूज कर लो, सिंपल है, यही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। डेल्टा एल क्वेश्चन में गिवन है, फोर्स फिर नहीं गिवन। फोर्स निकालने के लिए यूज फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस। इस फॉर्मूले में बस यही मिसिंग है, चारों वैल्यूज गिवन है, फोर्स निकाल के पुट करके आंसर आ जाएगा। ये स्टेप क्लियर है? लेकिन एक आसान तरीका भी है, आसान तरीका है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को वायर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगी एनर्जी? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, बची क्या? एनर्जी। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ए पार्ट से पता है, वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ, तो एरिया लेंथ तो पता ही आंसर, फिर फोर्स की जरूरत नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि फोर्स निकलेगी, फोर्स के बिना भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ये आपके ऊपर है। आपको नहीं समझ में आता, फोर्स निकालना चाहते हैं निकाल लें तो भी आंसर आएगा। मैं न्यूमेरिकल दूंगा ना होमवर्क के लिए, उसमें जो मेथड समझ में आता है वो लगा के देखना, हद से हद क्या होगा, कैलकुलेशन दो स्टेप ज्यादा करनी पड़ेगी, जो मिसिंग टर्म है वाई से निकाल लेना, ठीक है। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट 7 की शीट है इसमें, उसमें दो तीन चीज़ें बतानी है। सबसे पहली चीज़,
वायर कैन बी ब्रोकन बाय अप्लाइंग अ लोड ऑफ 20 kg वेट, क्या गिवन है, फोर्स, फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वायर ऑफ ट्वाइस द डायमीटर, तो कितनी फोर्स चाहिए उसको तोड़ने के लिए, ट्वाइस द डायमीटर। एक टर्म, एक चीज याद कर लो और फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर लो, y की वैल्यू किसी भी वायर के लिए जब तक वायर का मटेरियल चेंज नहीं होगा रिमेन्स कॉन्स्टेंट, डेंसिटी की वायर भी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ऐसी ब्रेकिंग स्ट्रेस भी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। वायर को तोड़ने के लिए जो स्ट्रेस चाहिए, चाहे वो वायर बड़ी हो चाहे छोटी हो, वो चेंज नहीं होती, स्ट्रेस बाय फोर्स बाय एरिया कॉन्स्टेंट है। तो अगर मोटी वायर है तो फोर्स भी ज़्यादा चाहिए उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। अगर मोटी वायर है यानी कि अगर एरिया बड़ा है तो फोर्स ज़्यादा चाहिए, पतली वायर है एरिया कम है तो फोर्स भी कम चाहिए। क्लियर है? अब दो केस है, क्या कह रहे हैं कि F1 गिवन है और आपको क्या निकालना है, फोर्स F2 निकालनी है ताकि वायर का डायमीटर दूसरी वायर में ट्वाइस हो जाए। अब ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है, उसी वायर तो चेंज नहीं की ना, तो पहले केस में स्ट्रेस क्या है, फोर्स बाय एरिया, दूसरे केस में स्ट्रेस क्या है, फोर्स बाय एरिया, ये तो सेम ही रहेगा। अगर आपने एरिया चेंज किया तो फोर्स भी चेंज करनी पड़ेगी, तो रेशियो रिमेन्स सेम। आपको F2 निकालना है, F1 आपको गिवन है 20 kg वेट पुट कर देंगे और आपको क्या गिवन है, ट्वाइस द डायमीटर। देखो अगर डायमीटर ट्वाइस है तो रेडियस भी इसका मतलब ट्वाइस है, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो सोचो अगर रेडियस ट्वाइस होगा तो एरिया कितने टाइम हो जाएगा, फोर टाइम, टू का स्क्वायर फोर, तो ठीक लिखा है ना, ए टू क्या लिखा, फोर टाइम्स ए वन, एरिया से एरिया कैंसिल, तो फोर्स फोर टाइम्स होगी, तो पहली फोर्स अगर 20 है तो दूसरी फोर्स 20 × 4 = 80 हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? जैसे केबल दैट कैन सपोर्ट अ लोड ऑफ W इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट, एक वायर है इसको दो हिस्से में तोड़ दिया, तो मैक्सिमम लोड जो कि वो सपोर्ट कर सकती है क्या होगा, ये नोट कर लो, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ द केबल। वायर लंबी हो छोटी हो बहुत छोटी हो, अगर वो W वेट के बाद टूटती है तो छोटी या बड़ी वायर का वेट क्या रहेगा तोड़ने का, सेम, W विल रिमेन सेम, ब्रेकिंग स्ट्रेस कॉन्स्टेंट है क्योंकि वायर का एरिया तो चेंज किया नहीं, तो वेट की वेट काटा है, एरिया थोड़ा चेंज किया, एरिया तो उसका कॉन्स्टेंट का सेम ही है, तो फोर्स भी क्या रहेगी, सेम, ठीक। दो क्वेश्चन में से सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, वायर्स ए एंड बी मेड अप ऑफ सेम मटीरियल, यानी कि यंग्स मॉडल्स दोनों का एग्जैक्टली सेम, ए हैज ट्वाइस डायमीटर, तो ए का रेडियस भी डबल है, एंड थ्री टाइम्स लेंथ, तो लेंथ ए की तीन गुना ज्यादा है, इलास्टिक लिमिट इज नॉट रीच, वायर सेफ है भाई, इलास्टिसिटी खत्म नहीं हुई, हुक्स लॉ एप्लीकेबल है, यानी कि मेरे फॉर्मूले एप्लीकेबल है, मेरे फॉर्मूले में हुक्स लॉ लगाया मैंने, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, व्हेन ईच वायर इज स्ट्रेच बाय सेम टेंशन, सेम टेंशन का मतलब फोर्स दोनों में सेम है, रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए एंड बी आपको निकालनी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला बोलो क्या है, हाफ इंटू फोर्स इंटू डेल्टा एल। प्रॉब्लम ये है, आपको दोनों वायर की रेडियस की रेशियो गिवन है, आपको लेंथ की रेशियो गिवन है, आपको इसमें फोर्स की रेशियो भी गिवन है, आपको डेल्टा एल की रेशियो नहीं गिवन। आपको एक बार फिर से क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एल को यंग मॉडल से रिप्लेस, तो आप साइड पे लिख लें, जो पहले फॉर्मूला ठीक तरह करके लिख लें, तो यंग्स मॉडुलस है वो क्या होता है, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या आएगा, एफ एल ए इंटू वाई, यहां पुट कर लेते हैं, तो एनर्जी का फॉर्मूला हाफ इंटू एफ इंटू एफ इंटू एल ए इंटू वाई, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, एक बार एनर्जी ऑफ ए यूज करेंगे, एक बार एनर्जी ऑफ बी यूज करेंगे। एनर्जी ऑफ ए क्या है, हाफ इंटू फोर्स ऑफ ए इंटू लेंथ ऑफ ए, और एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू यंग मॉडल्स, तो सेम ही है, दूसरी वायर का फोर्स ऑफ बी लेंथ ऑफ बी रेडियस ऑफ बी
और यंग मॉडल्स भी सेम है। अब मेरे को क्वेश्चन में वाई वाई सेम गिवन है, फोर्स फोर्स भी सेम गिवन है, हाफ हाफ पाई पाई कट गया, लेंथ की रेशियो गिवन है, रेडियस की रेशियो गिवन है, आंसर आ जाएगा डन। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें, कोई डाउट इसमें? मैं आपको मिलता तो होमवर्क दूंगा, आप एक बार ट्राई करना। और एक क्वेश्चन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये क्वेश्चन है लास्ट आज के लेक्चर का, ये वाला। ये इतनी बार मेज नीट एनसीईआरटी में आया हुआ है, आपको प्रीवियस ईयर में बहुत बार दिखेगा आता हुआ, हर बुक में भी गिवन है। क्वेश्चन है लेंथ ऑफ द वायर इज एल वन जब टेंशन वायर में टी वन, मुझे सिर्फ ये बताओ क्या ये एल वन ओरिजिनल लेंथ है या नहीं है? नहीं है, दो तरीकों से पता लग रहा है, एक तो आपने फोर्स लगाई हुई है तो ओरिजिनल कैसे होगी, और क्वेश्चन में पूछ भी तो कह रहा है अनस्ट्रेच लेंथ यानी ओरिजिनल लेंथ, तो ओरिजिनल लेंथ है ही नहीं। तो L1 लेंथ है जब टेंशन T1 है, कह रहा है L2 लेंथ है जब टेंशन T2 है, फोर्स चेंज की लंबाई भी चेंज हो गई, तो एक्चुअल लेंथ क्या है और गिवन एरिया कॉन्स्टेंट लेना है। तो मान लेते हैं एक्चुअल लेंथ L है, अब मटेरियल तो चेंज नहीं हुआ ना, तो y की वैल्यू दोनों केस में क्या रहेगी, एग्जैक्टली सेम। तो y का फॉर्मूला क्या है, पहले केस में फोर्स बाय एरिया डेल्टा l बाय l, ओरिजिनल लेंथ क्या है l, इंक्रीज इन लेंथ क्या है डेल्टा l1 जब टेंशन t1 है, और दूसरे केस में जब टेंशन t2 है तो डेल्टा l2 है, y विल रिमेन सेम। दोनों को इक्वेट कर लो क्योंकि y तो सेम है, इक्वेट करके l और l कैंसिल, डेल्टा l1 क्या है, नई लेंथ L1 गिवन है जब टेंशन T1 है और ओरिजिनल क्या है L, तो डेल्टा L1 क्या है L1 माइनस L, ऐसे डेल्टा L2 क्या है L2 माइनस L। इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ओपन करें, L वाली टर्म्स एक तरफ बाकी एक तरफ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके L निकालें आंसर। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है।